वेलकम। मेरा नाम शादी सईद है, मुल्तान से ताल्लुक़ है और मैंने सूरह रहमान सुनी 2002 में। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली ग्रेजुअली आती गई, बहुत सारे मसाइल हल होते चले गए। लेकिन जब सूरह रहमान फैलाना शुरू किया और लोगों के मसाइल सुने, जब आप किसी को तकलीफ़ में देखते हैं और मैसेज देते हैं, जब आप किसी को तकलीफ़ में देखते हैं और उसका दुख महसूस करके आप जब उसको मैसेज देते हैं, तो उस पहले तो शुक्रगुजारी की कैफियत ये तारी होती है कि अल्लाह ने हमें कितनी मुसीबतों परेशानियों से बचाया, अल्लाह की कितनी रहमतें हैं हम पे, छोटी छोटी बड़ी बड़ी नियमतों को हम छोटा कंसीडर करके उनको मैटर ही नहीं कर रही होती हमारे लिए। और उसके बाद जब लोगों के मसाइल हल होना शुरू होते हैं अल्लाह की रहमत से, और जब वो बताते हैं और वो उनकी ज़िंदगी में सुकून आता है, तो और दिल को बहुत तसल्ली और बहुत सुकून मिलता है कि अल्लाह ने कितनी रहमतें की हैं, अल्लाह का ही अल्लाह पे यकीन और बढ़ता है कि मेरा अल्लाह कितना कादिर है हर चीज़ पे, किस तरह से लोगों के और 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाला मेरा मालिक के जो भी उसके बताए हुए इस तरीके पे वो करता है, अमल करता है, उस तरीके से सुनता है सूरह रहमान, तो उसकी किस तरह से अल्लाह उसके मसाइल हल कर देता है और उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है, ग्रेजुअली किरदार में तब्दीली आ जाती है। समाते सूरे रहमान के हसीन पैगाम को गौर से सुने और सख्ती इंसानियत की खिदमत करें। सूरे अर रहमान सुने और इसे फैलाएं।